हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया वीडियो और नए विषय पे चर्चा। आज जो हम चर्चा करेंगे, वैसे आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और जो लोग वीडियो देखते हैं उन्होंने देखा होगा, एक लाइफ से रिलेटेड चीजें होती हैं। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि एक टीचर है, कॉलेज से जुड़े हुए हैं, तो स्टूडेंट्स की जो है अपने टिप्स आते रहते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट आती रहती है कि सर कुछ पढ़ाई के विषय की बात बताइए। तो आज उनको टिप्स की हम लोग बात करेंगे, स्टूडेंट टिप्स की बात करेंगे, जो आपको एक कंसंट्रेशन बनाने में पढ़ने में मदद करेंगे। क्योंकि एक चीज आप देखते होंगे कि पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन अच्छा है, भले ही सारी चीजें हैं, आप बेमन बैठे, कंसंट्रेशन नहीं है तो चीजें आपको जल्दी समझ में नहीं आएंगी, याद नहीं होंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज का विषय है कि कुछ जो बेसिक टिप्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बहुत ही जरूरी, चाहे छोटा क्लास हो चाहे बड़ा क्लास हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो टिप्स की बात का मतलब ये होता है, देखिए सबसे पहला टिप्स एक क्या होता है कि आप जहां पे बैठते हैं वो इन्वायरमेंट आपके सूटेड होना चाहिए, मन मुताबिक होना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज होती है। किसी का किसी चीज से अच्छा लगता है, किसी को ओपन में बैठने में अच्छा लगता है, किसी को क्लोज में बैठने में अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। तो पहली चीज ये है कि आपका टाइम, आपका प्लेस आपके मुताबिक होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं म्यूजिक सुन के अपना पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं अपना एक दो लोग होके बातें भी कर रहे हैं, पढ़ते भी जा रहे हैं, तब उनका ज्यादा मन लगता है। तो जो स्पेस और टाइम वो अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए। सबके अपना टाइप अलग होता है, ब्रेन का टाइप, नेचर अलग होता है, किसी के लिए क्या सूट करता है, तो वो चीज उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब आप पढ़ रहे हो तो एक चीज देखे, कोई भी एक नॉर्मल सी बात है, जैसे कोई बुक है, मान लीजिए आपके सामने आई फटी पुरानी बुक है, वो एकदम तो आपको देख के अजीब सा लगेगा, अरे छोड़ो इसको। लेकिन जब नई बुक होती है तो सबको पढ़ने में मन लगता है, इसलिए जो बुक है वो बिल्कुल वेल कवर्ड होनी चाहिए, सही से होनी चाहिए। जिस टेबल पे आप बैठे हैं वो टेबल बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। तो उससे आप देखेंगे अपने आप बैठने पे आपका मन खुश होगा, मन खुश होगा तो अपने आप पढ़ने में मन लगना चाहिए। दूसरी अगली चीज होती है कि जैसे आप टेबल पे बैठे हैं तो वहां पे वैसे तो ना पढ़ने वालों को देखे तो जनरली उनके जिस रूम में बैठे होंगे हीरो हीरोइन की फोटो लगी होगी, लेकिन ज्यादा बेहतर हो कि आप जहां पे बैठे हैं वहां माँ सरस्वती की फोटो हो, ये कुछ भी आप चाहे उसको श्रीयंत्र टाइप का कह सकते हैं, वो चीजें रखी हुई हो, तो ये आपको एक नेचुरल कंसंट्रेशन बनाने में आपको हेल्प करेंगे। पढ़ने के लिए आप तभी बैठिए जो टाइम आपके लिए ज्यादा सूटेड हो। एक नेचुरली आप देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, कि किसी को मॉर्निंग ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को दोपहर में अच्छा लगता है, किसी को शाम को, किसी को रात को। तो जब आपका कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा बन रहा हो तो आप कोशिश करिए उस समय ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। अगर आपको जैसे मॉर्निंग अच्छा लगता है पढ़ने में, तो मॉर्निंग जब बैठे तो आप कोशिश करिए 4-5 घंटे उसी समय पढ़ डालिए। आपको इवनिंग अच्छा लगता है तो बिल्कुल सारे काम जो भी आपके अदर से आए वो फिनिश करके आप उस समय 4-5 घंटे पढ़ डालिए। तो ये चीजें, क्योंकि देखिए मेहनत है, लगन है, टैलेंट है, ये सारी चीजें अलग होती है। लेकिन अगर आप कहीं पे बहुत ही टैलेंटेड है, लगन, लेकिन अगर आप डिस्टर्ब माइंड से बैठेंगे तो ना तो चीजें आपको समझ में आएंगी ना आपको याद होंगी। लाइट वगैरह जो आपका रूम हो, आप एकांत में बैठ के पसंद करना चाहते हैं या लोगों के बीच, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, ठीक है सब लोग आ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बैठ के पढ़ ले रहे हैं। कुछ लोग होते हैं उनके लिए एकांत प्लेस चाहिए, अकेला प्लेस चाहिए। वैसे तो ज्यादा बेटर होता है कि आप एकांत प्लेस पे बैठें, वो ज्यादा सूटेड होगा। तो ये सारी वो टिप्स हैं कि आपकी मेहनत, लगन, आपका जो टैलेंट है, वो सारी चीजों के अलावा जो कंसंट्रेशन पोर्शन होता है वो आपका बेहतर करेगा। इससे एक नॉर्मल स्टूडेंट भी, अगर उसके अंदर जरा भी लगन है, पढ़ने की भूख है, तो ये चीजें होंगी जो उसको और अच्छा बनाएंगी और अच्छा पढ़ने में मन लगाएंगी। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठिए तो इजी से शुरू करिए। जो भी चैप्टर है, जैसे नॉर्मली जी जी पहले फार्मूले देख लिया, जी अगर क्वेश्चन आप कर लें, जी क्वेश्चन कर लिया, या डेफिनेशन वगैरह देख लिया। कभी भी टफ सब्जेक्ट, टफ चैप्टर से लेके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो आपको और उबाऊ बनाएगा। जब आप धीरे धीरे बैठ के पढ़ते रहेंगे तो अपने आप आपका कंसंट्रेशन फास्ट होगा, और आप देखेंगे थोड़ी सर बाद वो भी क्वेश्चन, वो भी चीजें आप समझ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो डिफिकल्ट होंगी।
ये चीजें हो गई। और उससे पहले उससे और बेटर ये होगा कि जब भी आप बैठे थोड़ा रिवीजन करके बैठे, जैसे जो चीजें पढ़ी हुई पहले उनको रिवाइज करिए, तो उसमें आपके दिमाग जो है धीरे धीरे ज्यादा आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो और आपको कंसंट्रेशन बनाने में हेल्प करेगी। तो ये सारे पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, अगर ये सारी चीजें फॉलो की जाए तो अपने आप देखेंगे कि आपकी जो मेहनत होगी, जो भी आपके अंदर एक लगन होगी, भूख होगी पढ़ाई की, वो और बढ़ेगी, क्योंकि इससे आपको चीजें और समझ में आएंगी, चीजें याद ज्यादा अच्छी होंगी और उससे ज्यादा आपकी मेमोरी भी शार्प होगी। तो ये सब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी एक आपकी पढ़ाई को, आपके टारगेट को पाने में। थैंक यू।